दस्तरकु उस आपराधिक लापरवाही के खिलाफ जहां आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं, जहां जांच बैठ चुकी है, जहां गुजरात में एक बार फिर बनते हुए पुल का स्लैब नीचे गिर गया, एक नागरिक की मौत हो गई। जगह पालनपुर बनासकांठा गुजरात, जहां एक पुल का निर्माण होता है। आपको वीडियो में एक ऑटो नजर आ रहा होगा, कुछ ही देर में अचानक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा पूरा नीचे गिर जाता है। ऑटो चालक बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुल के गिरते हुए हिस्से के नीचे दब जाता है। बताया गया कि अंबाजी और पालनपुर को जोड़ने वाला रेलवे ओवरब्रिज है, जिसमें से 6 गार्डर निर्माणाधीन पुल के अचानक भरभरा कर गिरते हैं। शुरुआत में एक आम आदमी की जान जाने की खबर सामने आई। आरोपी बन रहा था, अब उस प्रोसेस के दरमियान जो दो पिलर्स के बीच में 6 गार्डर्स की लॉन्चिंग हुई थी, और अभी जो संभवतः ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई मैकेनिकल फेलियर होने की वजह से ये गार्डर्स जो है नीचे गिर गए। अब इसका टेक्निकल स्टडी करने के लिए गांधीनगर से जो टीम है वो रवाना हो चुकी है। संभवतः आज रात तक उनका रिपोर्ट आ जाना चाहिए कि दरअसल क्या हुआ था। वो रिपोर्ट आने के बाद इसमें और बता पाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल मैकेनिकल फेलियर जो है हम अनुमान लगा रहे हैं। अभी तक उसके अंदर जो मलबे में से एक बॉडी को निकाला गया है। पालनपुर में ओवरब्रिज दावा है लंबे वक्त से बंद रहा था, लेकिन जो गार्डर ब्रिज के अचानक नीचे गिरे वो दावा है कि पिछले ही हफ्ते खंबे पर चढ़ाए गए। आगे काम होता उससे पहले ये हादसा आपराधिक लापरवाही का नतीजा है, जहां दावा है मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, 3 अधिकारी जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। गुजरात में इससे पहले भी 2 निर्माणाधीन पुल गिर चुके हैं।